तो आज आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो आज का टॉपिक है, एक तो है नो बाउंड्स चेकिंग इन C++। नो बाउंड्स चेकिंग C++ का मतलब ये है कि आपको ये बताया जा रहा है C++ डज नॉट प्रिवेंट यू फ्रॉम ओवरराइडिंग इन एरेज बाउंड्स। C++ आपको किसी भी एरेज के जो बाउंड्स हैं उसको ओवरराइड करने से नहीं रोकता। अब इसका क्या मतलब है, इसको भी हम समझते हैं। इसको ये हमें एक एग्जाम्पल के जरिए समझा रहा है। इस प्रोग्राम में इसने एक एग्जाम्पल दी है हमें। दिस इज प्रोग्राम अनसेफली एक्सेस एन एरिया ऑफ मेमोरी बाय राइटिंग वैल्यू बियॉन्ड एन एरेज बाउंड्री। वार्निंग, इफ यू कंपाइल द रन एन प्रोग्राम इट कुड क्रैश। ठीक है, ये कह रहा है कि इसमें देखें, इसने इंटीजर मेन रख के एक मेन फंक्शन बनाया है, काउंट इंटीजर साइज करके एक कॉन्स्टेंट डिक्लेयर किया है और इंटीजर वैल्यूज करके एक एरे बनाया है। इस एरे के अंदर इसने साइज को लिख दिया है और अब इस एरे का जो साइज हो गया वो तीन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल हो गया। ठीक है, तीन एरे में इसका साइज मुश्तमिल है। यहाँ पे बता रहा है कि इंटीजर काउंट एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया इसने जो लूप के लिए यूज होगा। ठीक है, फिर इसने इसके अंदर कुछ पांच नंबर को स्टोर कराया है। अब यहाँ पे समझाना क्या चाह रहा है, एरे का साइज है तीन, मतलब इसके अंदर एलिमेंट बनेंगे कितने, तीन एलिमेंट बनेंगे। और ये जो लूप चला रहा है इसके अंदर, जिस तरह से डेटा स्टोर करा रहा है उसमें वो ऐड करा रहा है कितने एलिमेंट्स, फाइव एलिमेंट, फाइव वैल्यूज को ऐड करा रहा है। अब होगा क्या, आई विल स्टोर फाइव नंबर्स लिखा हुआ आएगा और फोर करके लूप चलेगा। जैसे ही फोर करके लूप चलेगा तो जीरो से फोर से जब लूप स्टार्ट होगा, एंड होगा फोर के ऊपर, तो ये लूप तकरीबन पांच बार चलेगा। जब ये लूप पांच बार चलेगा तो यहाँ पर वैल्यूज में काउंट लिखा आ रहा है, वैल्यूज में काउंट लिखा आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि वैल्यूज के आगे काउंट है, इसका मतलब वैल्यूज की जो वैल्यू फर्स्ट टाइम में मेंबर एक्सेस होगा वो जीरो होगा, जीरो में जाके क्या हंड्रेड होगा, अपडेट हो जाएगा। फिर दूसरी दफा में यहाँ वन हो जाएगा तो इसके पहले एलिमेंट में हंड्रेड हो जाएगा, टू में हंड्रेड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे लूप स्टॉप नहीं हो रहा, तो लूप क्या करेगा, इसके चौथे एलिमेंट में भी और पांचवें एलिमेंट में भी हंड्रेड स्टोर कर देगा। अब यहाँ पे वही बात समझाना चाह रहा है कि जब एरे का साइज आपने रखा थ्री तो एरे के बाउंड्स कहलाएंगे तीन, कितने बाउंड्स कहलाएंगे, तीन। और कर दिया, तो यहाँ पर हमारा जो एरे का साइज है वो थ्री, तो थ्री साइज है और उसकी लूप को हमने पांच बार चला दिया। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम के कह रहा है नो बाउंड्स चेकिंग इन C++। ये C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि वो इस प्रोग्राम को एरर दे और रोक दे कि आपने एलिमेंट तो तीन डिक्लेयर किए हैं और डेटा आप पांच एलिमेंट में डाल रहे हैं। ठीक है, अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये, इसको समझाने के लिए आपको इसने एक बात समझाई है और वो बात ये बताइए कि देखें, मेमोरी में कुछ इस तरह के ब्लॉक्स बने हुए होते हैं। जब आपका प्रोग्राम चलेगा तो वो इस मेमोरी के एक दो तीन चार पांच ब्लॉक या छह ब्लॉक या 500 ब्लॉक में से तीन ब्लॉक रिजर्व करेगा आपके एरे के लिए, जिसमें वो पहले वाले का नाम रखेगा जीरो और दूसरे का नाम रखेगा वन और दूसरे का नाम रखेगा टू। जब लूप चलेगा तो पहला वाला इसमें हंड्रेड असाइन होगा, दूसरा वाला इसमें हंड्रेड असाइन होगा, तीसरा वाला इसमें हंड्रेड असाइन होगा। बट लूप तो रुक ही नहीं रहा, लूप चौथे में भी जाएगा और पांचवे में भी जाएगा। ये चौथा वाला और पांचवा वाला एरिया आपके जो एरे है उसके लिए रिजर्व नहीं है, तो फिर ये किसके लिए रिजर्व होगा,
इसका जवाब ये है कि भाई हो सकता है इसमें कोई और डेटा सेव हो। मतलब देखे ना, यूं समझे कि एक होटल है, उसके अंदर 500 कमरे हैं। कितने कमरे हैं? 500 कमरे हमारी मेमोरी है। अब हमें नहीं पता उन 500 कमरों में कौन रहता है। हमने जाके होटल में कहा कि हमें 3 कमरे चाहिए। होटल वाला क्या करेगा, अपना रिकॉर्ड चेक करेगा और उन 500 कमरों में से जो 3 कमरे खाली होंगे वो हमें दे देगा। तो अगर हम 3 लोग हैं तो पहला आदमी पहले कमरे में जाएगा जो खाली है, दूसरा आदमी दूसरे कमरे में जाएगा जो खाली है, जो तीसरा आदमी तीसरे कमरे में जाएगा जो खाली है। अब हमें नहीं पता ये जो 3 कमरे हमें मिले हैं ये तो खाली हैं, लेकिन इसके आगे वाला, इसके पीछे वाला, इसके लेफ्ट बैक साइड वाला और इसकी फ्रंट वाली रो में जो कमरे हैं, आइदर वो खाली हैं या उसमें कोई रह रहा है, हमें तो नहीं पता होगा ना। लेकिन हम 5 बंदे रह जाएं और कहें कि आप 5 कमरे लाइन से रिजर्व कर लो, माइट भी ऐसा हो सकता है कि जब चौथे कमरे में जाएं तो उसमें पहले कोई रिजर्वेशन हो और 5वें में ही कोई रिजर्वेशन हो। इससे क्या होगा, एक तजाद पैदा होगा, लड़ाई हो सकती है या कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है। सेम सिचुएशन यहाँ पर है कि आपकी मेमोरी में डेटा तो ऑल टाइम होता ही है, तो जब आप एरे डिक्लेयर करके प्रोग्राम चलाते हैं तो मेमोरी में से वो 3 एरिया उसने निकाल लिए जो खाली थे, लेकिन लूप जा रहा है चौथा और पांचवा ब्लॉक भी रिजर्व करूं। तो जब लूप रिजर्व करेगा तो डेफिनेटली लूप चौथे वाले में भी और पांचवे वाले में भी असाइन कर देगा। लेकिन अगरचे उसमें कोई पहले से डेटा हुआ, कोई गेम का, कोई टेक्स्ट फाइल का, कोई नोटपैड का या कोई प्रोग्राम, कोई और डेटा उसमें स्टोर होगा, तो वो उसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो इस वजह से हमारा नुकसान हो सकता है। तो सी में ये सिस्टम लैंग्वेज में है ही नहीं कि नो बाउंड चेकिंग इन सी प्लस प्लस। कोई भी उसमें ये मैकेनिज्म नहीं है सी प्लस प्लस में कि वो चेक करे और चेक करके बताए कि भाई आपने तो 3 में डाला था, लूप 4 में डाला है, एरर दे रहे हैं। एरर नहीं देगा, प्रोग्राम चल पड़ेगा। 4 5 की जगह 500 में भी फिल कराएंगे, वो डेटा डाल के आ जाएगा, आप पता नहीं प्रोग्राम कहाँ पे कैसे क्रैश करता है, हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसलिए ये हमें कह रहा है कि नो बाउंड चेकिंग इन सी प्लस प्लस, और इसे एग्जाम्पल के जरिए इसने हमें समझाया। फिर एक बात कह रहा है वॉच फॉर ऑफ बाय वन एरर, वॉच फॉर ऑफ बाय वन एरर। अब ऑफ बाय वन एरर क्या होता है, इसको समझे नीचे आए। वॉच बाय ऑफ एन एरर ये होता है, मिसाल के तौर पे दी सीरीज ऑफ ब्रेसेस एंड स्प्रेड कॉमा एंड कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। अच्छा, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पे आपने एक कांस्टेंट डिक्लेयर किया 100 का और उसमें एक एरे बनाया जिसके 100 एलिमेंट्स बनाए। अब हमें बताएगा अमान के जो 100 एलिमेंट बनेंगे एरे, उसका पहले वाले एरे के एलिमेंट का नाम क्या होगा, 0 होगा, और आखिरी वाले का क्या होगा, आप बताइए, 99 होगा ना। जब स्टार्ट हो रहा है 0 से तो लास्ट वाला क्या होगा, 99। तो मेमोरी में ऐसे 100 ब्लॉक बन जाएंगे। ओके, अब ये जिस एरर की बात कर रहा है, ऑफ बाय वन एरर, देखो यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है, ऑफ बाय वन मतलब एक रह गया, एक रह गया, इस एरर का नाम रखा है एक रह गया, ऑफ बाय वन एरर। अब ये एरर क्या होगा, अक्सर हम कोड करते हुए गलती क्या करेंगे, गलती ये करेंगे, समझ लें बस। हमने फोर का लूप चलाया और वहां पे एक काउंट की वैल्यू को स्टार्ट किया 1 से और उसको लेगा लेस देन साइज, इक्वल टू साइज तक। अब मुझे ये अदील बताएंगे, अदील ये लूप कितनी बार चलेगा, 1 टाइम चलेगा। इमरान, 99 बार चलेगा। ओके अमान, 100 टाइम चलेगा ना। देखें, स्टार्ट करेगा 1 से और लेस देन के आगे इक्वल भी तो लगाया हुआ है उसने, या तो वो साइज तक चलेगा या साइज से एक स्टेप पीछे, लेकिन स्टेप पीछे तो जाएगा नहीं, पूरा 100 कर लेगा वो अपने यहाँ पे। तो ये लूप चलेगा 100 बार और 100 बार में ये काउंट अपनी वैल्यू को अपडेट करेगा, लेकिन स्टार्ट करेगा कहाँ से, 1 से, 1 2 3 4 5 और 100 टाइम में 100 दफा अपनी वैल्यू को अपडेट करेगा। अब यहाँ पर नंबर्स लिखा इसने एरे का नाम और इसके सब स्क्रिप्ट के अंदर लिख दिया काउंट। तो काउंट जो है वो ये वेरिएबल है और इसके आगे असाइनमेंट क्या कर दिया, 0। यानी कि फर्स्ट टाइम में जब लूप चलेगा तो नंबर्स के कौन से एलिमेंट में 0 असाइन होगा, आप बताइए बेटा, पहले एलिमेंट में 0 असाइन हो जाएगा। हाँ अबू बकर, कौन से वाले एलिमेंट में 0 असाइन होगा, बिलाल, फर्स्ट वाले में, अदील, फर्स्ट लास्ट वाले में, हाँ भाई अमन, फर्स्ट वाले में असाइन होगा 0।
हाँ, कौन से एलिमेंट में जब पहली दफा लूप चलेगा तो कौन से एलिमेंट में जीरो साइन होगा? हाँ भाई, ऐसा जीरो में असाइन होगा, तो आपका जवाब भी गलत है, आपका जवाब भी गलत है जिन्होंने कहा वन। देखिए ना, अगर फर्स्ट टाइम में काउंट की वैल्यू वन है और नंबर्स के आगे काउंट है, तो नंबर्स के पहले एलिमेंट में, पहले एलिमेंट मतलब जिसका नाम वन है, उसमें जीरो असाइन होगा, एक्चुअली वो दूसरा एलिमेंट होगा। भूल गए? इसी एरर को हम कहते हैं ऑफ बाय, क्या है, ऑफ बाय वन एरर। गलती हम यहाँ पे करेंगे, मतलब हमने एक होटल में गए और कमरे बुक कराए 10, ठीक है, कमरों के जो नंबर थे वो थे 0, तो आखिरी कमरे का नंबर था 9। अब हम 10 लोग थे और 10 को कहा कि भाई ये तुम्हारा पहला कमरा है, तुम्हारा दूसरा कमरा है, तीसरा कमरा तुम्हारा है और 10वां कमरा तुम्हारा है, ठीक है, तो 9 लोग तो चले गए अपने कमरे में, 10वां बोल रहा है 10 तो है ही नहीं, 10वां कमरा तो है ही नहीं। तो इस तरह का एरर जिसमें आप पहले एलिमेंट को भूल जाते हैं अपनी असाइनमेंट के दौरान, क्योंकि हम सोचते हैं ह्यूमन वन से और प्रोग्राम काम करता है जीरो से, तो इस तरह के एरर को हम कहते हैं ऑफ बाय वन एरर। सही है? तो ये एरर पूरा नहीं भरेगा, ये एरर भरेगा 99 ब्लॉक, जो जीरो एलिमेंट है यानी कि जो एरे का पहला एलिमेंट है उसको ये स्किप कर जाएगा। तो इस तरह के स्किप कर देने के एरर को हम कहते हैं ऑफ बाय वन एरर। यही समझाना था आपको, सही है? ये पूरी कहानी आपको मैं भेजूंगा, पढ़िएगा, यही जो मैंने आपको सुनाई है वो इसमें होगा। ऑफ बाय वन एरर समझ में आ गया, नो बाउंड चेकिंग समझ में आ गया। पर आसान सी बात है, नो बाउंड चेकिंग ये कि एरे की जो लिमिट है उससे ज्यादा डेटा ऐड कराने को नो बाउंड चेकिंग कहते हैं, और जो एरे के एलिमेंट्स हैं पहले इस एलिमेंट को स्किप करके वन से डेटा को फिल कराने को नो, क्या है, मैं हर दफा भूल जाता हूँ, ऑफ बाय वन एरर कहते हैं। ठीक है, अब ये चेक पॉइंट से ही आपको असाइनमेंट के तौर पे दूंगा, आपने घर से सॉल्व करके मुझे भेजना है पढ़ पढ़ के, ठीक है, वो बताऊंगा कैसे करना है। अभी आ रहा है हमारे पास आज का टॉपिक है एरे इनिशियलाइजेशन, एरे इनिशियलाइजेशन। अच्छा, इतना मुश्किल नहीं है, जैसे मैं समझाता जा रहा हूँ ऐसे समझते जाओ एग्जाम्पल से, तुम्हें समझ में आता जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि एरे मे बी इनिशियलाइज व्हेन दे आर डिफाइंड, जब एरे को बनाते हैं तो हम उसको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। अब आप बोलोगे इनिशियलाइज क्या आ रहा है, इनिशियलाइज मतलब वर्ड निकला है इनिशियल से, इनिशियल का मतलब होता है इब्तदाई, इनिशियलाइज शुरुआत करना, कहते हैं ना आओ हम अपने नए दौर की शुरुआत करते हैं। अब नए दौर की शुरुआत कैसे होगी कि हम नए तरीके से कोई काम करना शुरू करेंगे, तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है एरे के अंदर वैल्यूज को पहले से सेट कर देना। अभी तक हम जो एरे के अंदर वैल्यूज दे रहे थे वो लूप के जरिए दे रहे थे और लूप के जरिए आउटपुट ले रहे थे, अब हम एरे में खुद से वैल्यू डालना चाह रहे हैं, तो उसके वैल्यू को जो हम डालेंगे उसको हम कहेंगे एरे। होटल में कमरे थे, एरे तो बना हुआ था, अब है कि कमरे में हमने किसी में 2 आदमी भेज दिए, किसी में 3 आदमी भेज दिए, किसी में 4 आदमी भेज दिए, तो ये हमने कमरों को इनिशियलाइज करना शुरू कर दिया, कमरों को इनिशियलाइज करना शुरू कर दिया। इस तरह हम एरे को इनिशियलाइज कैसे करेंगे, हमने एक कांस्टेंट डिक्लेयर किया मंथ्स के नाम से, 12 की वैल्यू रखी, और एक एरे बनाया डेज के नाम का, उसमें मंथ्स को रख दिया, तो एरे के कितने एलिमेंट बनेंगे बेटा, एक कांस्टेंट डिक्लेयर किया मंथ्स के नाम से उसकी 12 वैल्यू रख दी, और एक एरे डिक्लेयर किया डेज के नाम का उसके अंदर मंथ्स को रख दिया, मंथ्स को जब इसके अंदर रखा तो इस एरे के कितने एलिमेंट बनेंगे, 6 बनेंगे, शाबाश बिलाल, 12 ही बनेंगे भाई, जब इसकी वैल्यू 12 थी इसको उठा के इधर रख दिया, तेरे अब्बू ने तुझे एटीएम कार्ड दिया और उसमें 2,000 रुपए डलवा दिए, तेरे पास कितने पैसे हुए, 1,000 हुआ 2,000 हुए, 2,000 ना, तो ये समझ ले ये एटीएम कार्ड है, इसके अंदर डाले 12 और ये 12 तेरी जेब में डाल दिया, देश तेरा पॉकेट है, समझा, तो ये एरे का नाम है और ये मंथ इसके अंदर डाल दिया, तो ये कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी वही एरे इसके मेंबर की तादाद हो जाएगी। ठीक है, जब तक ये नहीं समझोगे सारी कहानियां ऊपर ऊपर से लगेंगी बेटा। तो आ जाए अब इसके अंदर 12 एलिमेंट के अंदर इसने 12 वैल्यूज सेट की हैं। इस तरीके से वैल्यूज लिखने को हम कहते हैं एरे इनिशियलाइजेशन, यानी कि ये पूरी लाइन ऑफ कोड कहलाती है एरे इनिशियलाइजेशन। अभी इससे पहले आपने इनिशियलाइज करना नहीं सीखा था, सिर्फ डिक्लेयर डिफाइन कर रहे थे, सिर्फ डिफाइन कर रहे थे, उस डिफाइन के अंदर आप इतना ही तो लिख रहे थे कोड, इतना ही लिख रहे थे ना, तो ये आज आपने सीखा है एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं।
पर इनिशियलाइजेशन आपने की है इंटीजर से, क्योंकि इसकी टाइप क्या है, इंटीजर माने होल नंबर, इंटीजर माने होल नंबर, तो आपने 12 होल नंबर लिख दिए। तो ये कैसे एरे भरेगा, ये मेमोरी में एरे से भरेगा, मेमोरी में से 12 ब्लॉक बनेंगे। पहले ब्लॉक का नाम क्या होगा, सबस्क्रिप्ट 0, सबस्क्रिप्ट 1, 2, 3, 4, आखिरी वाले का क्या होगा, तो पहले वाले का जो 31 है वो जाएगा 0 एलिमेंट में, और जो 31 लास्ट वाला है वो जाएगा आखिर के 11वें एलिमेंट में, सही है, इस तरह से भर जाएगा। दिस इज कॉल्ड एरे इनिशियलाइजेशन। आसान है ना, क्या मुश्किल था इसके अंदर, इतना तो फिजिक्स वाला भी नहीं आसान पढ़ाता होगा, वही वेलोसिटी और इसी में फंसा के रखते थे। तो ये स्टेटमेंट कहलाती है एरे इनिशियलाइजेशन, आपने एक एरे को इनिशियलाइज कराया। अब इसके रिलेटेड क्या सवाल हो सकते हैं, भाई इस एरे की लिमिट कितनी है, एलिमेंट्स कितने हैं, तो कहेंगे 12। इस एरे का साइज क्या है, 12 एलिमेंट्स। इस एरे की टाइप क्या है, इंटीजर। इसके अंदर कौन सी वैल्यू डाली है, इंटीजर। तो इंटीजर वैल्यू से हमने इसको क्या किया, इनिशियलाइज करा दिया, दैट्स ऑल। यही सवाल हो सकते हैं, ये वाली वैल्यू कौन से एलिमेंट में गई, 0, 1, 2, 3, 4, 4 एलिमेंट में गई, और इसका नेचुरल नंबर क्या है, इसका 5, और इसका मशीन नंबर क्या है, 4, सही है ना। ऐसे दिस इज कॉल्ड एरे इनिशियलाइजेशन। जब भी आपको इंटीजर एरे बना के खुद से वैल्यू डालनी है तो ऐसे कर देंगे आप उसको। अब आगे के चलते हैं, दूसरे बात बता रहा है, कह रहा है कि ये देखो हमने एक प्रोग्राम बनाया है जो आपको द प्रोग्राम डिस्प्लेज द नंबर ऑफ डेज इन ईच मंथ, हर महीने में कितने दिन होते हैं उसका आपको क्या दिखाएगा, तादाद बताएगा। कैसे बताएगा, ये प्रोग्राम स्ट्रक्चर लिखा इंटीजर मेन, और ये आउटपुट क्या, रिटर्न 0 हो गया। प्रोग्राम में इसने एक कांस्टेंट डिक्लेयर किया 12 के नाम से, और यहाँ पे एक डेज बनाया मंथ्स के नाम से, और ये इक्वल लगाया, और ये एक स्टार्ट ब्रैकेट किया, और ये ब्रैकेट को ओवर किया, और ये वैल्यू डाल दी। अब बताएं इस स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे, जी एरे इनिशियलाइजेशन। अब आप बोलेंगे सर आप तो करते हैं धोखा, दिखाते हैं क्या और पूछते हैं क्या, धोखा ही हो गया ना भाई। देखे ना मैंने तो दिखाया, भाई ऐसे लिखने को एरे इनिशियलाइजेशन कहते हैं। अब ये तो लिखा हुआ था हमने एक ही रो के अंदर, अब यहाँ पे मैंने कितनी रो के अंदर लिख दिया इसको, 3 रोज के अंदर, तो ये नई चीज हो गई थी ना। तो अदील ने बोला अबे यार ये हर दफा नई टोपी करा देते हैं मेरे, जब मेरे को समझ में आता है ये नई टोपी दे देते हैं मेरे को। अब मैथ वाला भी ऐसे ही करते थे जब समझ, और कैसी थी बात है, वो टीचर जो समझाता था सवाल, वो पहला सवाल होता था वो किताब बेटा करो, तो दूसरा होता था, तीसरा, उसके बाद सवाल की शक्ल ही चेंज हो जाती थी, वो कहता था तुम्हें फिर नहीं आ रहा, फिर वो चौथा पांचवा करता था, फिर छठा करते थे, फिर सातवें में फिर शक्ल चेंज हो जाती थी। तो यार ये तो हर दफा ही चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है, यही समझाना चाह रहा है कि भाई चाहो तो तुम इसको एक लाइन में लिख दो, चाहो तो इसको तोड़ तोड़ के 3 लाइन में लिख लो, 4 लाइन में लिख लो, 5 लाइन में लिख लो, पर लिखने का सेंटेक्स वही होना चाहिए। देखो इसमें क्या किया, एक स्टार्ट ब्रैकेट किया कर्ली ब्रैकेट को, और यहाँ पे ओवर कर दिया, और ओवर करने के बाद यहाँ सेमीकोलन 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 लगाते गए, और सॉरी कॉमा लगाते गए, और उसके बाद यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन लगाना है। अब इसी बात को थोड़ा सा इसने ऐसे करके लिख दिया, स्टार्ट एंड ओवर ब्रैकेट एक ही बार आ रहा है, हर नंबर के बाद कॉमा आ रहा है। अब तुम भले एक एक नंबर करके इंटर करके चले जाओ, 4-4 करके चले जाओ, 3-3 करके चले जाओ, लास्ट में ऐसे कॉमा लगा के ही ओवर करना है। इस स्टेटमेंट को भी हम कहेंगे इनिशियलाइजेशन। ये बताना चाह रहा है आप चाहे तो एक रो में इनिशियलाइज कर लें, चाहे तो मल्टीपल रोज में भी इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। सही, ये बात समझ में आ गई सबको, ओके। अब चलो इसने प्रोग्राम बनाया, तो भाई इसके अंदर इसने वैल्यू डाल दी, 31, 28, 31, 30 कुछ भी डाल दिया। ये क्या किया, इसने बताया कि पहले महीने में 31 दिन होते हैं, दूसरे महीने में कितने दिन होते हैं, 28 दिन होते हैं, तीसरे में 31, चौथे में 30, इस तरह से। फिर एक लूप चला दिया इसने, इंटीजर काउंट 0, लाजी बात है एरे को रीड करवाएगा, तो ये चला दिया, तो काउंट लेस देन मंथ, तो ये 0 से स्टार्ट होगा और 12 दफा लूप चलेगा। और इसे लिखा, फिर उसके ब्रैकेट बनाए, क्योंकि 2 लाइन की स्टेटमेंट है, तो 4 के ब्रैकेट बनाकर, एक लाइन होता डायरेक्ट लिख देता, सी आउट लेस देन मंथ लिखा हुआ आएगा, लेस देन काउंट प्लस 1। अब ये ब्रैकेट में जो काउंट प्लस 1 लिख रहा है, यानी कि ये आपको दिखाने के लिए कि काउंट की जो वैल्यू उसमें प्लस करके 1 दिखाओ, तो 0 के साथ 1 दिखाएगा, लेकिन इससे काउंट की वैल्यू अपडेट नहीं होगी। मैंने आपको मिसाल दी थी ना, आपके पॉकेट में 10 रुपए हैं, लेकिन आपको मुझे दिखाने हैं 20 रुपए, तो आप क्या करेंगे, अदील के 10 रुपए जोड़ के, सर ये देखें 20 रुपए हैं, लेकिन आपके कितने पैसे हैं, 10 रुपए ही हैं। तो ये इस तरह का कोई मामला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखाएगा आउटपुट में, 1 हैज सी आउट डेज, एरे का नाम लिखा हुआ तो नहीं आता, उसके आगे लिखा आएगा काउंट। तो यहाँ पर काउंट की वैल्यू क्या होगी, बिलाल बताएगा, चल भाई इमरान बताएगा, सिर्फ काउंट की वैल्यू बतानी, यहाँ पे क्या होगी, 0 होगी 1 होगी, है तो आज नई वाली
मैं कोई नई वाली लगा के आया क्या? तो पेस सेट काउंट की ये 0 और 1 दोनों होनी चाहिए। माना तो वट 10,000 हुआ, मोटो के 1,500 देना था, तो वट छा थे 20,000 थिया ना, तो 20,000 हुंदा या 1,500 हुंदा। तो सवाल ये है कि यहाँ पर काउंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी या 1 होगी? 0 होगी ना, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्ले 1 करेगा, यहाँ पे 0 होगी। तो डेज के 0 एलिमेंट में क्या आएगा? 31। तो यहाँ पे लिखा आएगा पहली स्टेटमेंट में month 1 has 31 days, आखिरी डेज दिखाया गया। जब दूसरी बार लूप चलेगा month 2 has 28 days, month 3 has 31 days, इस तरह से इस प्रोग्राम का आउटपुट बनेगा, क्योंकि यहाँ पर +1 करके 1 दिखाएगा और यहाँ पे 0 एलिमेंट की वैल्यू को शो करेगा इस तरीके से, ठीक है। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट कुछ इस तरह का बन जाएगा। अब कह रहा है कि नोटिस दैट सी प्लस प्लस अलाउड टू स्प्रेड द इनिशियलाइजेशन लिस्ट अक्रॉस मल्टीपल लाइंस। कह रहा है कि सी प्लस प्लस आपको डेटा को मल्टीपल लाइंस पे इनिशियलाइज करने की भी सहूलत देता है। अब आ जाए, एक एरे लिया इसने डबल कॉइंस के नाम का, और उसके उसके मेंबर्स की लिमिट्स कितनी बताई इसने, एलिमेंट्स की 5। तो इसने पहले एलिमेंट में ऐड किया 0.05। अब बताइए क्या ये सही कर रहा है 0.05 ऐड करके, या गलत कर रहा है? सही कर रहा है। वजह क्या है, यहाँ पे टाइप क्या बताइए, डबल डबल होल नंबर भी स्टोर कर सकता है और प्रीसेशन वैल्यू पॉइंट वाली रकम को भी स्टोर कर सकता है। तो बिल्कुल सही कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है। तो 0, 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स, यानी 5 एलिमेंट्स में ये 5 वैल्यू स्टोर हो गई। ये कह रहा है कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, और आप चाहो तो ऐसे भी लिख लो। असाइनमेंट के बाद कह रहा है डबल क्वाइंस सबस्क्रिप्ट 5, नहीं साइज डिक्लेरेटर नहीं, यहाँ सबस्क्रिप्ट डबल क्वाइंस सबस्क्रिप्ट 5 असाइनमेंट कर्ली ब्रैकेट 0.05 कॉमा 0.1 0.25, यानी कि ऐसे एक लाइन में लिख लो या मल्टीपल लाइंस में लिख लो, बात एक ही है। दोनों तरीके से आपका जवाब सही होगा और दोनों स्टेटमेंट कहलाएंगी एरे इनिशियलाइजेशन। चलें भाई अब आ जाएं इसके लिए, इसने एक प्रोग्राम दे दिया आपको बना के, कह रहा है कि दिस प्रोग्राम इनिशियलाइज अ स्ट्रिंग एरे। अब आ गया स्ट्रिंग, तो हमें आयशा बताएंगी स्ट्रिंग क्या होता है बेटा ये। हाँ, वर्ड्स अल्फाबेट्स कैरेक्टर्स आर कॉल्ड स्ट्रिंग्स। इंटीजर्स क्या होते हैं आप बताएंगे बेटा? होल नंबर्स आर स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो ओ इंटीजर्स, तो स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स लेटर्स एंड सब चीजों को मिला के स्ट्रिंग्स बनते हैं। तो ये अब हमें एक नया एरे बनाना सिखा रहा है जो नंबर स्टोर नहीं करेगा बल्कि नाम स्टोर करेगा, वर्ड्स को स्टोर करेगा। भाई वर्ड्स, मैं कह रहा हूँ कि भाई वर्ड एप्पल क्या है, वर्ड ये नाम भी तो है ना, तो इसलिए हम कहते हैं नाम स्टोर करेगा। इस तरह जैसे हम अदील क्या है, अदील क्या एक वर्ड है, वही नाम भी तो है ना, नाउन भी है ना ये, तो इस तरह से। तो चलते हैं आगे, वही प्रोग्राम स्ट्रक्चर बनाया और इसमें एक स्ट्रिंग की फाइल को ऐड किया है ताकि कोई स्ट्रिंग का फंक्शन हम यूज करेंगे। तो ये आपने ऐड करनी हेडर फाइल यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड इंटीजर मैन करके आ गया है और स्टार्ट किया ब्रैकेट को। ये हमारा प्रोग्राम स्ट्रक्चर हमने कंप्लीट कर लिया। अब स्ट्रिंग एरे कैसे बनता है, सबसे पहले साइज डिक्लेरेटर में कॉन्स्टेंट बनाया जिसका नाम रखा साइज, और उसके एलिमेंट कितने बनाए अमान, 9 एलिमेंट्स बनाए, शाबाश। अब जब स्ट्रिंग एरे बनाना है तो आपने शुरू में क्या लिखना है, स्ट्रिंग। तो जब इंटीजर बना रहे थे क्या लिख रहे थे, INT। जब डबल बना रहे थे क्या लिख रहे थे, डबल। तो इस तरह स्ट्रिंग बनाने के लिए शुरू में क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग। ये क्या है बिलाल, ये क्या है बिलाल, है? अरे भाई ये मैथमेटिक्स और इंग्लिश की क्लास नहीं हो रही, ये है क्या? हामन नहीं पता, अमान, अरमान, इमरान, नहीं ये किसका नाम है, नाम किसका है? हाँ एरे का नाम है, क्या हो गया तुम लोगों को, जो पढ़ रहे टॉपिक वही दिमाग से निकल जाता है। अरे भाई ये एरे का नाम है, ये कांस्टेंट का नाम है, ये कांस्टेंट की टाइप है, ये कांस्टेंट का कमांड है, ये स्ट्रिंग इसकी टाइप है, ये एरे का नाम है, और ये साइज डिक्लेरेटर के अंदर इसके एलिमेंट की तादाद है जो कि या तो कांस्टेंट होनी चाहिए या नेम्ड कांस्टेंट होना चाहिए और 0 से अबव होनी चाहिए, ठीक है। आगे आ जाए, इक्वल लगाया यहाँ पे और डायरेक्ट वही तरीका, कर्ली ब्रैकेट्स लगाया, इनिशियलाइज करा रहे हैं इसको, यहाँ पे ओवर किया, सेमीकोलन लगाया। अब याद रखें कि नंबर्स जब हम लिखते हैं तो विदाउट डबल कोट्स लिखते हैं, विदाउट डबल कोट्स लिखते हैं, होल नंबर हो या प्रीसेशन नंबर हो, यानी कि पूरे पूरे नंबर हो या पॉइंट वाली वैल्यूज हो, हम कैसे लिखेंगे उनको, विदाउट डबल कोट्स, विदाउट विदाउट सिंगल कोट, विदाउट डबल कोट। नंबर कभी भी
इंटीजर या डेसिमल नंबर होगा, पॉइंट वाला होगा, ना तो वो डबल कोट में लिखा जाएगा ना वो सिंगल कोट में लिखा जाएगा, ना वो डबल कोट में लिखा जाएगा ना वो सिंगल कोट में लिखा जाएगा, वो डायरेक्ट लिखा जाएगा लेकिन सेपरेट किया जाएगा कॉमा के जरिए। अब याद कर लें, जब भी स्ट्रिंग्स लिखे जाएंगे, स्ट्रिंग मतलब वर्ड्स, तो वो डबल कोट्स में लिखे जाएंगे। किसमें लिखे जाएंगे? डबल कोट्स में। तो इसने मरकरी लिखा, मरकरी डबल कोट्स में लिखा, कॉमा ये गया जीरो एलिमेंट में, कॉमा वेनस लिखा तो ये गया वन एलिमेंट में, कॉमा अर्थ लिखा टू एलिमेंट में। इस तरह ये सारे प्लैनेट के नाम, मुख्तलिफ 9 प्लैनेट्स के जो नाम है वो 9 एलिमेंट्स में स्टोर करा दिए इसने। अब यहाँ पे आप अपने नाम लिख लेते, आप एरे का नाम बना देते स्टूडेंट, तो यहाँ पे अपना नाम लिख लेते अमान, अदील, इमरान, बिलाल, अरमान, जो भी थे वो लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है सी आउट हियर आर द प्लैनेट्स, ये एक मैसेज नजर आएगा। अब देखें फोर का लूप चलाए, कितनी बार चलेगा फोर का लूप? अबू बकर कितनी बार चलेगा ये फोर का लूप? हाँ बेटा आदिल कितनी बार चलेगा बेटा ये लूप फोर का? है तेज बोल ले, बट जो पता तो पड़े भूल क्या रहे। 100 टाइम्स चलेगा। हाँ बेटा आप बताइए कितनी बार चलेगा? 10 टाइम्स चलेगा। थोड़ा सा 9 टाइम्स चलेगा ना, क्योंकि स्टार्ट होगा जीरो से और लेस देन लगा हुआ, इक्वल टू होता तो मैं कहता कि फिर चल जाता। तो इसको पढ़ा करो ना, देखो साइज की वैल्यू क्या डिक्लेयर की हुई है, 9। हम कह रहे हैं कि काउंट शुरू होगा जीरो से और लेस देन 9, लेस देन का मतलब है 9 की जो वैल्यू उससे एक स्टेप पीछे, तो 9 से छोटा 8 होता है, तो 0 से 8 पर चलेगा तो 9 टाइम्स चलेगा, सही है। तो 9 टाइम चलेगा तो सी आउट करेगा पहली दफा प्लैनेट्स की वैल्यू जो कि काउंट में होगी, यानी कि जीरो एलिमेंट में, जीरो एलिमेंट में होगा मरकरी, तो पहली दफा में क्या आउटपुट करेगा? मरकरी। दूसरी दफा में जब लूप चलेगा क्या शो करेगा? वेनस, फिर अर्थ, और एक न्यू लाइन भी लगाया हुआ है इसने साथ में, तो एक वैल्यू दिखाने के बाद न्यू लाइन पे चला जाएगा, दूसरी वैल्यू दिखाने के बाद न्यू लाइन पे, इसका आउटपुट कुछ इस तरह से आ जाएगा, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सही है। तो इस तरह आपको इसने सिखाया कि एक स्ट्रिंग एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं, फिर उसको इनिशियलाइज कैसे कराते हैं, फिर उसकी वैल्यू का आउटपुट किस तरह से लेते हैं। अब इनकी जगह पे कोई भी नाम लिख सकते हैं आप, समझ रहे हैं मेरी बात को या नहीं समझ रहे? ठीक है, अब चलते हैं आगे एक और स्टेप में, देखते हैं आगे हमें क्या बता रहा है। एक और प्रोग्राम इसने बनाया, दिस प्रोग्राम यूज एन एरे ऑफ 10 कैरेक्टर्स। अब यहाँ पे कह रहा है कैरेक्टर्स के बारे में, अब मुझे अमन बताएगा, अमन कैरेक्टर और वर्ड में क्या फर्क होता है बेटा? अमान बेटा आप बता दें, है कैरेक्टर, इंग्लिश का वर्ड है कैरेक्टर और वर्ड, इन दोनों में फर्क क्या है? वर्ड, वर्ड, डब्ल्यू ओ आर डी, शुक्र है मैं सिंधी स्कूल में नहीं पढ़ा वरना तो ये समझ ही नहीं पाता। इमरान आप बताएं बेटा, सही है, सुबह इसके साथ पीढ़ी पे जाना तू, ठीक है, और इसको तेरी जगह भेज देना वहां पे, ठीक है। एक अल्फाबेट जो होता है ए बी सी डी, उसको हम एक अल्फाबेट को कैरेक्टर कहेंगे, जेड एक्स एम व्हाटएवर, और जो उनसे मिलके बनेगा एप्पल, मैंगो, इमरान, अमान, ये वर्ड कहलाएगा, सही है। अब आते हैं डेटा टाइप में, स्ट्रिंग्स का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, पैराग्राफ्स, मिलके वर्ड्स बना रहे होते हैं, तो चले जाते हैं उसके ऊपर, किसके ऊपर? स्ट्रिंग्स में। अब यहाँ पे कह रहा है दिस प्रोग्राम यूज एन एरे टू ऑफ 10 कैरेक्टर्स, स्टोर द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट्स। इस एरे में शुरू के 10 कैरेक्टर्स को वो स्टोर करेगा, 10 कैरेक्टर्स को वो स्टोर करेगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे तक स्टोर करेगा, ठीक है। द एस्की कोड ऑफ द कैरेक्टर्स आर डिस्प्लेड। अब ये एस्की कोड क्या है, ये नई फिल्म है, ये अभी समझा रहा हूँ, पहले देखते हैं कि वो कैसे स्टोर कर रहा है। तो आप आ जाए यहाँ पे, कॉन्स्टेंट एक इंटीजर लिया नम अंडरस्कोर लेटर्स के नाम का। अब इमरान से पूछेंगे, इमरान ये क्या डिक्लेयर किया, इसे क्या कहते हैं हम? नेम्ड कॉन्स्टेंट, ठीक है ना, ये किसने नेम्ड कॉन्स्टेंट डिक्लेयर किया जिसका नाम रखा नम अंडरस्कोर लेटर, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या रखी है? 10। फिर ये देखें इसने क्या लिखा है, 4। देखें जब उसको पूरे पूरे वर्ड्स स्टोर करने थे तो उसने टाइप क्या लिखी थी? स्ट्रिंग। और जब इसको सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना है तो उसने इसकी टाइप क्या रखी है? 4।
चार इसकी सी की एक डेटा टाइप है, इसका मतलब उसमें वो एक कैरेक्टर स्टोर करना चाहता है और ये मेमोरी में एक बाइट कंज्यूम करेगा, सही है? ठीक है, एक कैरेक्टर एक बाइट कंज्यूम करेगा। अच्छा, उसका नाम क्या रखा इसने आगे, लेटर्स, ये एरे का नाम हो गया। उसका साइज डिक्लेरेटर बताया नाम और लेटर्स, तो इसके तकरीबन 10 एलिमेंट मेमोरी बनेंगे। तो ये लगा इसने कर्ली ब्रैकेट, स्टार्ट एन ओवर, सेमी कॉलन लगाया और पहला कैरेक्टर स्टोर कराया 0 एलिमेंट में। अब याद कर लें, जब भी सिंगल कैरेक्टर स्टोर कराएंगे सिंगल कोट में कराएंगे, जब भी सिंगल कैरेक्टर स्टोर कराएंगे सिंगल कोट में कराएंगे। लेकिन इसको जहन में रखना है कि यहाँ पर चार टाइप होनी चाहिए, अगर यहाँ स्ट्रिंग है तो फिर सिंगल कैरेक्टर भी डबल कोट्स में होगा। बात समझ में आ रही है? स्ट्रिंग टाइप होगी तो डेटा डबल कोट्स में होगा, चार टाइप होगी तो डेटा सिंगल कोट में होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात ये? तो इसने 10 कैरेक्टर्स जो कि मेमोरी के अंदर 10 के 10 एक एक में ऐड हो जाएंगे। पहला ए स्टार्ट होगा 0 एलिमेंट में और जो आखिरी वाला जे स्टार्ट होगा 9 एलिमेंट में स्टोर हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आ गई, बैठ गई? तो ये एक सिंगल सॉरी एक कैरेक्टर एरे इसने इनिशियलाइज करा दिया, यहाँ पे डिक्लेयर भी करा दिया और इनिशियलाइज भी करा दिया। अब आते हैं आगे क्या कर रहा है। सी आउट कैरेक्टर फॉरवर्ड स्लैश टी क्या करता है, टैब, जैसे फॉरवर्ड स्लैश एन न्यू का काम करता है, न्यू लाइन देता है प्रोग्राम में, ये टैब टैब मतलब 10 स्पेस का गैप देगा। कैरेक्टर लिखा हुआ आएगा, 10 स्पेस का गैप आएगा, एस्की कोड लिखा हुआ आएगा, फिर न्यू लाइन हो जाएगा, कैरेक्टर एस्की कोड, ठीक है। अब किस तरह आउटपुट बनेगा, ये इस तरह से दिखाई देगा, कैरेक्टर 10 लाइन का स्पेस और ये लिखा गया। उसके बाद अगली लाइन पर लिखा, ये डैश दिखेंगे, इसके नीचे डैश आ रहे हैं, फिर एक टैब आएगा, फिर टैब गैप आ गया, फिर उसके बाद ये आएगा। अब हम चलते हैं कि ये ASCII कोड होता क्या है। इसको हम कहते हैं एस्की कोड, एस्की अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंटरचेंज इंफॉर्मेशन। अब इंटरचेंज इंफॉर्मेशन ही है, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है, थोड़ा देख लेना, ये मेरे थोड़ा माइंड से निकल गया, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होगा आई थिंक सो, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। देखें, हम जो लैंग्वेज बोलते हैं वो इंग्लिश, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, पूरी दुनिया में बहुत जबानें बोली जाती हैं, तो हमारी जो लैंग्वेजेस हैं वो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, लेकिन हम जो लैंग्वेजेस बोलते हैं उन लैंग्वेजेस को आप कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज कहते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज। इंसान जो भी जबान बोलता है उसको क्या बोलते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज। वो कौन कौन सी जबानें हैं हमारे इलाके में? इंग्लिश, उर्दू, सिंधी, पंजाबी। अमेरिका में रहते तो इंग्लिश, स्पेनिश और पता नहीं कौन कौन सी जबानें वहाँ बोली जाती, और सऊदी अरब टाइप में रहते तो अरबी के भी 5-6 जबानें हैं वो बोली जाती, तुर्किश है, उर्बन है, उर्दन है, पता नहीं ऐसी जबानें। कंप्यूटर मशीन कौन सी लैंग्वेज समझता है, ये जवाब देगा अबू बकर। अरमान देगा, इंग्लिश समझता है कंप्यूटर, सही है। अमन देगा, जल्दी जल्दी दे दो, रिकॉर्डिंग हो रही है, फिर तुम्हें सुननी पड़ेगी बाद में इतनी है। नंबर समझता है, हाँ इंग्लिश, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझता है। मशीन यानी कि कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर जो लैंग्वेज समझता है उसको हम कहते हैं BINARY, बाइनरी लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज कहते हैं? बाइनरी लैंग्वेज। हम जो नंबरिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं इंसान पूरी इंटरनेशनल, वो है डेसिमल, डेसिमल नंबर सिस्टम का। डैक का मतलब होता है 10, इसमें 10 कार्ड है हमारे पास, एक कार्ड है 0, एक कार्ड है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, और इसी से हम सारी वैल्यूज को बनाते हैं। कंप्यूटर के पास जो नंबरिंग सिस्टम है उसको हम कहते हैं BINARY, बाइनरी निकला है बिन से, बिन के मायने होते हैं दो। इस लैंग्वेज में दो डिजिट है, एक है 0 और एक है 1, और जितने भी वैल्यू बनाएगा बड़ी से बड़ी वो 0 1 से मिलाएगा। ठीक है, आप बोलेंगे सर इसको आपने तो बात कर दी ऐसी और फिर प्रूफ कर लो इसको, अब प्रूफ आपको भी हम कर देते हैं। ये जो कैलकुलेटर आपको विंडोज में पढ़ाया गया था आज इसका काम आ रहा है, देखिए यहाँ क्लिक करेंगे और इसको हम चले जाएंगे प्रोग्रामर कैलकुलेटर की तरफ। अब देखें ये हमें सारे नंबरिंग सिस्टम दिखा रहा है, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी, सही है। अब फॉर एग्जांपल इमरान बोल रहा है सर आपने तो बोला कि हम तो 10 नंबर से मिला के कोई वैल्यू बनाते हैं, कंप्यूटर 2 से बनाएगा, कैसे पागल बना रहे हो क्या? अभी देखें कैसे बनाएगा। डेसिमल पे क्लिक किया और हमने एक नंबर बनाया 869, 869, हम कैसे समझेंगे 869, मशीन कैसे समझेगी 00110101010101, दिस इज कॉल्ड 869, 869, समझ रहे मेरी बात को भाई? देखे ना, हमारे पास 10 नंबर है,
तो जो भी नंबर हम बनाते हैं वो 10 नंबर से जोड़ के बनाते हैं। कंप्यूटर के पास है ही 2 नंबर, तो वो इन्हीं को मुख्तलिफ तरतीब में रख के समझता है। ये नंबरिंग सिस्टम मुश्किल है, इसलिए कंप्यूटर को इस पे बनाया गया ताकि हर कोई आसानी से इसको ना समझ सके, ना इसको अंडरस्टैंड कर सके। इसलिए कंप्यूटर आसानी से हैक भी नहीं होते, और जितना भी अंदर कोड चल रहा होता है कंप्यूटर 0-1 पे ही काम कर रहा होता है। अब हम आते हैं इनकी बात पे कि इन्होंने कहा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे लिए बनाई गई, उसके अंदर इंग्लिश के वर्ड को एज अ कमांड के तौर पर ऐड कराया गया। जब भी हम कमांड लिखते हैं तो हमें इंग्लिश की कमांड लगती है, जबकि उसके बैकएंड में वो इसको 010 के अंदर ही कोड बना के देती है, इतना बड़ा मशीन उसको समझ के परफॉर्म कर देती है। हमें लगता है हमने कोड किया, मशीन को लगता है उसको 01 में मिला, तो बीच में ये काम कर रहा होता है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है कंपाइलर, जिसका काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। लो लेवल लैंग्वेज यानी कि बाइनरी लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझ रहा है, हाई लेवल लैंग्वेज जो हम समझ रहे हैं, और सी लैंग्वेज जो है वो मिड लेवल लैंग्वेज है जो हाई और लो को आपस में क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है। जो कंपाइल करते हैं ना हम कोड को, वो हमारे कोड को ले जाके कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर, और उसके अंदर ये कोड पहले से लिखे हुए हैं, इसलिए काम वो जल्दी से कर लेता है। बात समझ में आई? अब सवाल ये पैदा होता है कि जब सारी चीजें कंप्यूटर 01 में समझ रहा होता है, तस्वीर जो बनाता है 01 में बनाता है, वीडियो जो बनाता है 01 में बनाता है, तो ये ABCD हम कैसे लिख लेते हैं, कैसे लिख लेते हैं जब उसका वास्ता ही नहीं है? तो यहां पर भी कंपाइलर काम कर रहा होता है। कंप्यूटर को ये नहीं पता ए क्या है। कंप्यूटर को एक बात समझाई हुई है कि अगर तुम्हें एक कोड मिलेगा 010001, तो तुम्हें एक शक्ल बनानी है जो ए की है, और अगर कोई मिलेगा 000111, तो तुम्हें एक शक्ल बनानी है जो बी की है। वो तो हम समझ रहे हैं ना, ए और बी, क्योंकि हमने सीखा हुआ है, बनाने वाले ने इसको ऐसे प्रोग्राम किया है। समझे नहीं समझे? नहीं समझ रहे? नहीं समझ में आ रही यार, इसमें ना समझने वाली तो कोई बात ही नहीं है, इसको यूं समझ लें भाई, ये 010 हमें, सॉरी 01 नहीं आया, ये बाइनरी लैंग्वेज है, ये 010001000 ये लिखा, हमें तो नहीं पता ये क्या है। बनाने वाले ने कंप्यूटर को समझाया हुआ इसका मतलब क्या है, कंप्यूटर को कहा है जब तेरे पास ये कोड आया तो ये शक्ल बनाना। लेट्स ऑन, ये कौन समझ रहा है? ये हम नहीं समझ रहे, कंप्यूटर समझ रहा है। और ये कौन समझ रहा है? ये हम समझ रहे हैं, कंप्यूटर इसको नहीं समझ रहा। उसको ये कहा है ये बनाना है, जब ये कोड आएगा तो ये बनाना है, बस। अब मसला ये है कि ये जो कोड हमने लिखा है, अगर इसको हम अपनी नंबर गिनती में कन्वर्ट करें तो ये क्या है? अभी मैंने आपको कन्वर्ट करके बताया ना, कैलकुलेटर में क्या किया मैंने, लिखा 65, ये हम समझ रहे हैं 65। 65 को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन रहा है, 010001। अगर आपको याद हो तो 6, 7, 8 क्लास में आपको बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ाया गया था, ऑक्टल और हेक्सा डेसिमल, तो उसमें क्या करते थे, वो डिजिट को डिवाइड करते थे। तो आपने भी टीचर से पूछा था वो क्या करेंगे, तो टीचर ने खुद कंप्यूटर नहीं सीखा हुआ था, उसने कहा बाबा ये सवाल है कर लो, 10 नंबर का सवाल आएगा, है ना? तुमने नहीं सीखा होगा, स्कूल ही नहीं गए होगे तुम। देखो अब ये देखो अब गवर्नमेंट स्कूलों की आप बात नहीं किया करो ना। देखो गवर्नमेंट स्कूल पता है क्या है, जैसे मिसाल के तौर पे हम यूं कहें कंप्यूटर बनाया, यह तो कंप्यूटर किसने बनाया होगा, फिर वो जो बंदा था जिसने कंप्यूटर को बनाया, जो पूरी मशीन थी, फिर उनकी जो टीम का भी एक सुपर पावर होगा वो प्रोफेसर होगा, फिर उनको किसी ने कॉन्सेप्ट दिया होगा, माना जो सबसे टॉप अल्लाह ताला के बाद और सबसे टॉप जो बंदा आता है ना वो गवर्नमेंट स्कूल है, तो हम तो वहां पूछ ही नहीं सकते ना बेटा। तो उसकी बात आप यहाँ छोटे से इदारे में बैठ के कर रहे हो यार, ये तुम धोखा के भाई, ऐसे नहीं किया करोगे यार। तो हम बच्चों वाली चीजें सीख रहे हैं, वहां पे जो एजुकेशन मिलती है ना वो बहुत हाई क्लास है, हम तो वहां पहुंच ही नहीं सकते ना। तो वो वहां पे तो ये चीज आप सीखोगे नहीं, वहां तो आप यूं सीखोगे आडे खबर बाजी खड़ी आए हुई कम क्यों कौन क्यों साई मुझे पकार कौन थिया साई आ मोकल कंदो साम के छोटी लगी भैया। ये देखो उनकी हाई क्लास की लैंग्वेज, ऐसा मन ये नहीं कर सकते हम। हमें तो यहाँ बैठ के काम करना है, यहाँ तो पूछूंगा भाई काम क्यों नहीं किया तुमने, सही है ना? वहां ऐसे कोई बात नहीं होती, तो इसलिए आप उनको दोष नहीं दो, कसूर आपका है, आप क्यों गए थे वहाँ पे, आपका जब काम ही नहीं है वहाँ पे। इतने हाई लेवल स्कूल में चलेगा, छोटे मोटे स्कूल में चले जाते हैं किसी में, पीले नीले स्कूल के अंदर, काले पीले में, जिनके ऊपर से नीले नीचे से काले ड्रेस होते हैं, किसी का काला किसी का पड़ता है, उस पर चले जाते, तो वो थोड़ा वो सिखा देते आप, ठीक है? तो ये समझे बात, तो ये 65 को आपको बाइनरी में कंप्यूटर ऐसे समझता है, सही है। अब ये जो 65 है ये कोड है ए का, और मशीन को कमांड जाती है 010000001। अब 66 जो कोड है वो है बी का,
उसकी जो बाइनरी कमांड है वो ये। बात समझ में आ रही है? ये आपको इस प्रोग्राम में करके ये बताने वाला है कि इन सब लेटर्स के बाइनरी कोड नहीं दिखाएगा आपको, ये डेसिमल कोड दिखाएगा। डेसिमल नंबर सिस्टम जो हम समझ रहे हैं वो डेसिमल कोड आपको दिखा देगा। ये कैसे दिखा रहा है? इसने आउटपुट में ये दो बनाए, फिर इसने फोर का लूप चलाया। कितनी बार चलाया? लाजमी बात है कि 10 बार ही चलेगा लूप। और हर बार में लिखा इसने सी आउट लेटर्स एरे का नाम काउंट। तो पहले जीरो एलिमेंट के अंदर क्या स्टोर है? ए ए दिखाई देगा, फिर दो टैब आएंगे और उसके आगे सी आउट, और ये क्या लिख दिया इसने, ये बोले आदिल यार देखिए। फिर अभी मेरे को समझ में आया था, ये फिर सर जो है ना नई टोपी दे देते, ये कौन बताएगा? हालांकि पढ़ाया है मैंने, ये मैंने पढ़ाया है, ये बताएंगे आप तो मजा आ जाएगा। बस फिर इसके बाद खत्म कर रहे हैं, आगे नहीं जाएंगे। ये बात आपकी सही है, लेकिन थोड़ा सा आप इसको एक्सप्लेन करते हैं। आपने बताया सही है, करेगा क्या, लेकिन ये है क्या आउटपुट? तो बेटा वो देगा सी आउट लगा हुआ है, बात तो है नहीं, लेकिन इसमें बेटा वो डेसिमल ही देगा, लेकिन ये जो लगाया स्टैटिक अंडरस्कोर कास्ट इंटीजर, ये क्या करेगा? बस आप इतना बताइए मुझे, ये आप बता देंगी। आप आउटपुट बिल्कुल सही बता रही है, नंबर ही आएगा यहाँ पे। बाइनरी को नहीं करेगा ये जो ए पिक्चर ए है इसको लेगा और जाके अपनी डिक्शनरी में देखेगा कि भाई इसका बाइनरी नंबर कौन सा है, वो मिलेगा 0100। फिर उसको कन्वर्ट करेगा डेसिमल के अंदर और वो डेसिमल नंबर हमें दिखाएगा, लेकिन वो इस कमांड की मदद से दिखाएगा। ये कमांड क्या है? इसको हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्या होती है? कास्ट माने क्या होती है? जात होती है। छोड़ो ये, फिर मैं एग्जांपल गलत दे दूंगा, अभी वीडियो पे रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक छोड़ो। टाइप कास्टिंग क्या करता है कि मिसाल के तौर पे स्टैटिक अंडरस्कोर कास्ट जो है ये एक फंक्शन है, इसके आगे आपने लेस देन ग्रेटर पर क्या लिखा? इंटीजर। आप ये कह रहे हैं कि भाई ये एरे की टाइप क्या है? कैरेक्टर, चार सिंगल कैरेक्टर स्टोर करेगा? नहीं, इसकी टाइप को चेंज कर दो। क्या कर दो? टाइप को चेंज कर दो। टाइप को चेंज कराया, स्टार्ट ब्रैकेट में डाला, एरे का नाम लिखा और पूरा एरे इसके अंदर लिख दिया। अब वो जाएगा एरे के जीरो एलिमेंट में और जीरो एलिमेंट में देखेगा ए, तो ए को लेकर जाएगा। पीछे ये चाचा खड़ा हुआ होगा, ये बोलेगा क्या लेकर आया? ए। ए को कन्वर्ट करेगा वो इंटीजर में, तो वो बन जाएगा 65 और 65 का वो आउटपुट दिखा देगा। अब इसी लाइन को जब उसने इसके बगैर लिखा है, इसके बगैर लिखा है ऊपर, तो यहां पर वो ए ही दिखाएगा, लेकिन यहां पर वो ए का डेसिमल नंबर दिखाएगा। तो इसका आउटपुट कुछ ऐसे बन जाएगा, A65, B66, C। इस तरह पूरा आप ASCII कोड का टेबल बना सकते हैं ए से लेके जेड तक का, कि कौन से लेटर का क्या डेसिमल नंबर है। सही है? समझ में आ गई बात? क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। एरे इनिशियलाइजेशन लिस्ट कैन नॉट हैव मोर वैल्यूज देन द एरेज एलिमेंट। अब कह रहा है, हाँ ये लाइन है आपके समझने वाली, कह रहा है कि एरे इनिशियलाइजेशन लिस्ट कैन नॉट हैव मोर वैल्यूज देन द एरेज एलिमेंट्स। कि जब आप एरे को इनिशियलाइज करा देते हैं तो उसके डेटा को, कह रहा है वो एक लिस्ट बन जाता है। हाँ उसमें आप कैन नॉट हैव मोर वैल्यूज, उसमें आप ज्यादा वैल्यूज स्टोर नहीं करा सकते। लेकिन कब करा सकते हैं? जब आप उसको सिर्फ साइज डिक्लेरेटर बताएं और इनिशियलाइज ना कराएं, फिर लूप के जरिए भर दें उसको, डेटा कहीं से भी लाके उसके अंदर भर दें, तो उसमें आप उसको बाउंड चेकिंग को क्रॉस कर सकते हैं, एरे की लिमिट को क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन इनिशियलाइजेशन कराने के बाद उसकी लिमिट्स को क्रॉस नहीं कर सकते सी प्लस प्लस पर। यही बात आपके याद रखने की है। तो यहीं पर हम अपनी क्लास को खत्म करते हैं। पार्शियली इनिशियलाइजेशन भी थी, बहुत हो जाएगा काम।